बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी। नंबर वन जो है, जैसे कि पहली वीडियो बना चुका हूँ मैं न्यू मेट्रो सिटी पे और काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ पे, तो अभी जिस सोसाइटी की मैं बात करूँगा वो भी न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान का है। तो यहाँ पे जो डील आई है वो आई है कमर्शियल की। वैसे आप अगर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस किया न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान ने। काफ़ी बूम रही है, अभी तक भी इसकी काफ़ी बूम है मार्केट में। इस वक्त जो है लीड कर रही है जिस तरह कारोबार के पाकिस्तान में हालात हैं, तो न्यू मेट्रो सिटी इन हालात में जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हजरात हैं या स्पेशली जो रियल्टर्स हजरात हैं, रियल स्टेट कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ लेके आए थे ये BSM ग्रुप वाले न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान के नाम से। तो इस वक्त वहाँ पे जो है जो कमर्शियल की काफ़ी मांग है, काफ़ी बुकिंग हो रही है। कमर्शियल में आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, एक 2.6 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिलता है, एक आपको 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट मिलता है, आपको 8 मरले के कमर्शियल प्लॉट मिलता है। अगर बात की जाए 2.6 मरले के कमर्शियल प्लॉट की, तो उसकी टोटल जो कीमत है वो है तकरीबन 47.5 लाख, डाउन पेमेंट है उसकी तकरीबन 9,50,000 रुपये। इसी तरह 5 मरले का कमर्शियल प्लॉट जो है उसकी जो टोटल प्राइस है वो है 97,50,000 रुपीज़, ठीक है। उसकी डाउन पेमेंट आती है तकरीबन 17.5 लाख रुपये। इसी तरह जो 8 मरला का है वो है तकरीबन उसके जो टोटल प्राइस है वो है 1,67,00,000 तकरीबन इसके राउंड अबाउट। उसकी जो डाउन पेमेंट है वो तकरीबन 27.5 लाख। तो काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबल है। इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे बुकिंग करेंगे तो उनको ठीक ठाक प्रॉफिट होगा अगले कुछ अरसे में। 5 मरले की बात की जाए कमर्शियल की, तो इसमें आपको 2 कैटेगरी मिलती हैं। एक में आपको जनरल कमर्शियल मिलता है 5 मरले का, दूसरी जो कैटेगरी है वो स्पेशल कैटेगरी है जिसमें आपको सेक्टर 1 के मेन बुलेवार्ड पे 5 मरले का जो है प्लॉट वो अलॉट होता है, जिसकी स्टैम्प जो है वो आपकी फाइल के ऊपर लगी होती है। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है गुजरखान न्यू मेट्रो सिटी जो है। ये आप में काफ़ी लोग जो हैं जो जेलम से, गुजरात से, रावलपिंडी, इस्लामाबाद ट्रैवलिंग करते हैं GT रोड से, उनको काफ़ी लोगों ने ये देखी भी होगी। GT रोड के बिल्कुल ऊपर है गुजरखान। अगर आप क्रॉस करते हैं तो गुजरखान से आप जब जेलम जाते हैं, गुजरखान सिटी से तकरीबन 2.5 से 1.5 किलोमीटर जब बाहर आप निकलते हैं तो मेन GT रोड के ऊपर इसका 2.5 से 3 किलोमीटर का फ्रंट है। आपको पता लग जाता है कि न्यू मेट्रो सिटी की साइट है। आप साइट पर जाके देखें तो माशाल्लाह बहुत तेज़ी से बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। इसके जो फीचर्स हैं इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अभी हाल ही में IVY कॉलेज जो है उसके साथ इनका MOU साइन हुआ है, ठीक है। एक रूट्स जो है गार्डन स्कूल है उसके साथ इनका MOU साइन हुआ है। तो इस तरह इनके और भी काफ़ी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसके साथ इनका MOU साइन होने जा रही है। इसके अलावा वहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका क्याम होने जा रहा है। उसके बाद स्कूल्स हैं, उसके बाद अच्छी मसाजिद जो हैं, इबादतगाहें जो हैं मुसलमानों के लिए, वो एक फ़न तामीर होगा। एक ज़बरदस्त किस्म की आपको यहाँ पे मसाजिद जो हैं उनके नक्शे मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स एरियाज इसमें मुख्तस किए गए हैं, इसमें ग्लोब पार्क्स हैं, इसमें जिम्स हैं, इसमें शॉपिंग मॉल्स हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपकी ज़िंदगी गुजारने के जो आपको सहूलियात चाहिए होती हैं इंशाल्लाह वो सारी सहूलतें जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो लोग इन्वेस्ट जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो मेरी उनके लिए राय ये है कि उन लोगों को जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान जो है, इससे पहले न्यू मेट्रो सिटी सराय आलमगीर ने इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, ठीक है। BSM डेवलपर्स का ये ग्रुप है, मलक बिलाल बशीर जो हैं इसको ओन कर रहे हैं, और मलक बिलाल साहब जो हैं वो नवासे हैं मलक रियाज हुसैन साहब के, जो कि चीफ हैं बैरिया टाउन के। तो अगर आप मतलब इरादा रखते हैं किसी अच्छी जगह पे कम बजट में इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं जो ठीक ठाक आपको जंप करके जो आपको प्रॉफिट दे, तो वो इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट न्यू मेट्रो सिटी गुजरखान है। सेकंड नंबर पे आएँ तो मैं आपको बताता चलता हूँ और काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। इसके बाद अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप गुलबर्ग में, गुलबर्ग इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट कीजिए। लोकेशन वाइज देखा जाए तो इसके लेवल की अभी तक कोई सोसाइटी नहीं है। काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, कभी तेज़ हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। अभी हाल ही में जो है ए ब्लॉक की जो है कटिंग का काम स्टार्ट कर दिया गया है, उसमें डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। तो इससे उस वहाँ पे जो प्लॉट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ऊपर जाएगी। मेरे आप लोगों को ये मशवरा है कि आप बी ब्लॉक जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बी ब्लॉक में इस वक्त आपको 7 मरले का जो प्लॉट है वो आपको मिनिमम 55 लाख से अच्छा प्लॉट मिलता है, और ये फिर प्लॉट जो है ये 75 लाख 80 लाख तक आपको प्लॉट मिलते हैं ये, लेकिन नॉन डिवेलप, ठीक है। वक्त के साथ साथ कीमतें ऊपर जाएंगी इन प्लॉट्स की, ठीक है। डेवलपमेंट अगर होती है यहाँ पे 2-4 महीने में या 6 महीने में, तो ये प्राइसेस एकदम जंप लेंगी, ठीक है। ये फिर प्लॉट प्लस में जाएंगी, तो ये अच्छी आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप उसको करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए गुलबर्ग जो है, गुलबर्ग इस्लामाबाद, राइट ऑन इस्लामाबाद हाईवे,
पे इसकी एंट्रेंस है, ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये आपकी बहुत ज्यादा सिक्योर एंड सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा काफी चीजें हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी में आप इन्वेस्टमेंट करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें, किंगडम वैली में इन्वेस्टमेंट करें। काफी लोग ये सवाल करते हैं कि जी गुलबर्ग सॉरी ब्लू वर्ल्ड सिटी या किंगडम वैली या कैपिटल स्मार्ट सिटी ये जो है ये गैर आबाद इलाके हैं, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। अगले 4-6 महीने में 1 साल में आप देखेंगे कि वहाँ पे क्या कुछ होता है। अभी वहाँ पे जमीन मिलती नहीं है, अगर आप जमीन लेने जाएं तो आपको कोई जमीन जो है वो बंदा देने को तैयार नहीं है। क्यों? वो पूरा एरिया जो है डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है, काम शुरू हो चुका है। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी को जाके अगर देखें तो ये बहुत जहाँ पे इनकी स्टार्ट हुए थे रेट्स, आज आपको वो रेट्स मिलते नहीं है। जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक की बुकिंग इन्होंने ऑलरेडी क्लोज कर दी है, वो भी इसलिए क्योंकि आवाम की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने बताया है प्लॉट की बुकिंग अपनी जो अवेलेबल लैंड है उसके हिसाब से करनी थी। इसके अलावा आप किंगडम वैली में जाएं, आप करतबा सिटी में जाएं, और बेशुमार यहाँ पे रूडन एनक्लेव है, रूडन एनक्लेव में आप इन्वेस्टमेंट करें, ये आपकी बहुत बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। आपके बिल्कुल ये आप देखेंगे कि अगले 1.5 से 2 साल के अरसे में इंशाल्लाह जब यहाँ पे रिंग रोड कंप्लीट होगा इस इलाके में आपको ये वाली जो प्राइसेस आज की हैं ये नहीं मिलेंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इन्वेस्टमेंट पे सोचिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए यही चीज़ है जो आपको आगे चल के एक अच्छा मुनाफा और आपके लिए फायदेमंद हो सकेगी। बहुत